हेलो माय लवली लवली यूट्यूब फैमिलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल सी रेसिपी जिसका नाम है स्पेशल पिज़्ज़ा। स्पेशल इसलिए क्योंकि इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है ना टमाटो, वही मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। टमाटो के बिना मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया है, इसलिए स्पेशल नाम दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया है मैंने ये। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा। ये जो आप स्पून देख रहे हो ना मेरे हाथ में, मैं इसी के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 स्पून बिग स्पून ऑल पर्पज़ फ्लावर। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 स्पून लिया है कर्ड, और फिर मैंने यहाँ पर लिया है ये 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर। उसके बाद मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला है एज़ पर टेस्ट। साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है, टीस्पून समझिए, और अ पिंच बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग सोडा कम लीजिएगा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। आप ऑयल के बदले घी या बटर भी ले सकते हो। अब बस इसे हमने मिक्स कर देना है, मिलाना है अच्छी तरह से, और जब हम इसे नीड करेंगे इसमें पानी बहुत कम डालिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया था, आप इसमें 1 टेबल स्पून ही पानी रखिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। यहाँ पर मैंने ना 1 और टेबल स्पून वाटर ऐड कर लिया था, तो थोड़ा सा नरम हो गया था मेरा जो आटा है। खैर कोई नहीं, तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर दिया, और मैंने इसे है ना तकरीबन 1 घंटे के लिए, इस तरह से मैंने डो बनाया, तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसे गीला कपड़ा ढक कर के रख दिया था। और जब तक कि 1 घंटा यहाँ पर होता है, तब तक मैंने वहाँ पर हम अपना सॉस बना लेते। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ वाइट सॉस। तो वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑफ बटर ले लिया है, बटर लेने के बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून या तो आप उससे भी कम मैदा डाल दीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मैदा डालोगे उतना ही वाइट सॉस जो है आपकी थिक रहेगी, जितना कम डालोगे उतनी पतली रहेगी। तो यहाँ पर आपको स्टर करते रहना है कंटिन्यूसली, यहाँ पर कोई लम्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैदा जो है अच्छी तरह से बटर में मिक्स हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिल्क ऐड किया है, यहाँ पर हमने एक हाथ से मिल्क डालना है, दूसरे हाथ से उसे स्टर करते रहना है कंटिन्यूसली, वरना उसमें जो है गांठें आ सकती है, इसलिए आपको इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है काफ़ी थिक हो चुका है हमारा बैटर, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर लिया था। स्टर करते रहिएगा कंटिन्यूसली, वरना इसमें गांठें आ सकती है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया है, आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है, इतना होने के बाद भी मेरा जो सॉस है ना वाइट सॉस थोड़ी सी थिक हो गई थी लास्ट में, तो इसे आपने पतली ही, जितना आप पतली रखोगे ना उतना अच्छा रहता है, पिज़्ज़ा में डालने के लिए इजी पड़ता है। और साथ में यहाँ पर मैं नमक और शक्कर दोनों डालूंगी। जो नमक है वो आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, जो शुगर है हमने थोड़ी सी डालनी है बस पिंच के हिसाब से, और बस ये हमने थोड़ा देर चलाना है। और मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है, अब वाइट सॉस हमने साइड में रख दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो मेन पिज़्ज़ा सॉस होता है ना वो बनाने। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑयल, और साथ में मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब यहाँ पर मेरे पास टमाटो नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया है मेन इंग्रेडिएंट्स पिज़्ज़ा सॉस के लिए लगता है टमाटो, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था। मुझे सडनली याद आया कि अरे मैंने पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट तो कर दिया बट टमाटो नहीं है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे केचप डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने 2-3 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड किया है। यहाँ पर आप क्या करिएगा, अगर आपके पास टमाटो है तो टमाटो को उबालिएगा, उसके बाद उसका जो छिलका होता है पील ऑफ कर दीजिए, उसके बाद उसे आप ग्राइंडर में पीस दो, और उस प्यूरे का आप इसी तरीके से सॉस बना सकते हो। और बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और साथ में मैं यहाँ पर नमक और शक्कर दोनों ऐड करूँगी। ठीक है, यहाँ पर शुगर जो है दिखा नहीं मैंने कब ऐड किया, बट मैंने इसमें शुगर भी ऐड किया है। साथ में यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है, आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ करोगे तो अच्छा कलर भी आएगा। और अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है, क्योंकि आप देख सकते हैं मसाला जो है थोड़ा लग रहा है, तो इसमें हमने पानी भी डालना है। और हाँ, अगर आपके पास ऑनियन पाउडर है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, अच्छा टेस्ट आएगा।
यहाँ पर मेरे पास ऑनियन पाउडर नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अगर आप ये सॉस नहीं पसंद करते हो खाना, तो आप सिर्फ केचप लगा कर के भी पिज़्ज़ा का मज़ा ले सकते हो। मैंने मेरी बेटी को जब देना था तो मैंने केचप लगा के ही उसे दिया था, ये सॉस नहीं दिया था। तो सॉस रेडी हो चुकी है, उसे मैंने साइड में रख लिया। अब डो की तरफ आते हैं। डो को 1 घंटा हो चुका था, आप देख सकते हो पानी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा स्टिकी हो गया था। तो बस इसमें हमने मैदा, जो सूखा फ्लावर होता है ना, सूखा आटा, उसे डाल करके नीड करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आपको अच्छे से इसे नीड करना है, ताकि ये एक सॉफ्ट जो डो है वो बन सके। ठीक है, मैंने इसमें 5 से 10 मिनट इसे नीड किया था अच्छे से। सूखा आटा लगाते जाइएगा और इसे नीड करते जाइएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर 10 मिनट बाद जो मेरा डो है पिज़्ज़े का, वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा सा बन गया था ये। अब इसे हमने बेल देना है, पिज़्ज़ा डो बनाना है, पिज़्ज़ा ब्रेड जैसा बनाना है। तो बस यहाँ मैंने सूखा आटा डाल दिया है और इसे मैं बेल लूँगी, जैसे हम चपाती बेलते हैं। यहाँ पर मैंने ना इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखा था, क्योंकि मोटा मोटा ब्रेड ना खाने में मज़ा नहीं आती, तो मैंने थोड़ा पतला ही रखा था इसे। और इसे मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो मेरे पास पिज़्ज़े की जो पैन होती है ना, वो अवेलेबल नहीं है। और बस इसे इस तरीके से फोक की हेल्प से इसे हमने, जैसे डो में होते हैं ना, उस तरीके से हमने इसमें होल जो भी ये कर देना है। और इस स्टील की प्लेट में मैं इसे बना रही हूँ, तो मैं स्टील की प्लेट को पूरा कवर करूँगी। तो बस ये हमारा डो, जो ब्रेड होता है पिज़्ज़ा का, वो तो रेडी है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये पिज़्ज़ा सॉस। अगर सॉस नहीं लगाना तो आप केचप लगाओ, अगर बच्चों को दे रहे हो तो केचप लगाओ, मायोनीज लगाओ, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैंने सॉस बनाया था तो सोचा मैं सॉस ही लगा दूँ, पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर जो हमारा वाइट सॉस हमने बनाया था। आप देख सकते हो कितना थिक हो गया था ये वाइट सॉस, इसलिए आप ट्राई करो कम मैदा डालो और पानी डालो, तो थोड़ा पतला रहेगा ना, तो उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, वाइट सॉस, तो वाइट सॉस डालने का मकसद ये है कि कम्प्लीटली जो चीज़ होता है वो आप स्किप कर सकते हो, आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती वाइट सॉस डालने से। और यहाँ पर मैंने डाल दिया ये कॉर्न। वेजीज भी आपके ऊपर है, आपको क्या डालनी डालो, क्या नहीं डालनी मत डालो, जो मिल रहा है वो डालो। आप चाहे तो सिर्फ टमाटोज़ और ऑनियन भी डाल सकते हो, तो मेरे पास टमाटोज तो था नहीं, तो मैंने इसमें कैप्सिकम मेरे पास था वो डाला। साथ में मैंने कॉर्न और ऑनियन, ये तीन ही चीज़ मैंने इसमें ऐड की है। और लकीली मेरे पास ना चीज़ अवेलेबल था, जो वो भी मेरे पास जो प्रोसेस चीज़ होता है ना, जो मिलता है उसके क्यूब्स थे। तो मैंने बस बस पिज़्ज़े में तो खाने अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये चीज़ डाला है, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो भी नहीं डाला है, क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो बस हमारा जो घर का लॉकडाउन स्पेशल पिज़्ज़ा, लॉकडाउन तो नहीं है फ़िलहाल, बट फिर भी घर का स्पेशल पिज़्ज़ा रेडी है। अब इसे कढ़ाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हो मेरा गैस चालू है, इस तरीके से स्टैंड डाला मैंने, इसमें नमक है ये अंदर, और इसे मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। अभी प्री हीट हो चुका है, अब इसको मैंने कम्प्लीटली स्लो कर दिया है फ्लेम को, और इसे मैंने इसके अंदर पिज़्ज़ा इस तरीके से रख दिया है, और इसे मैं ढक दूँगी। और ये पिज़्ज़े ने बहुत टाइम ले लिया था पकने में, क्योंकि जो मेरी स्टील की प्लेट ना बहुत मोटी थी, तो इसने ना पूरे आधे घंटे लिया है पकने के लिए। आधे घंटे बाद ये इस तरीके से पका है, प्रॉपरली पका है, और ये हमारा पिज़्ज़ा कम्प्लीटली रेडी है। खाने में बहुत ही मज़ेदार था, ऑरिगैनो होता तो और मज़ा आता। तो गाइज़, बस मेरी आज की वीडियो इतनी ही, बहुत ही आसान सा रेसिपी था, बहुत ही फटाफट बन गई ये रेसिपी। आप चाहे तो मैदे के आटे के बदले व्हीट फ्लावर का आटा भी यूज़ कर सकते हो, व्हीट फ्लावर का पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। तो गाइज़, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।